गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आज तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लास्ट क्लास है ना। एक बहुत मेजर फेज आज आपका कंप्लीट हो गया, मतलब एनसीईआरटी का पार्ट वन विल बी 100% कम्प्लीट। तो इसके बाद हम एनसीईआरटी के पार्ट टू पे आ रहे हैं। वैसे मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ पार्ट वन ही अभी हुआ है, पार्ट टू तो बचा हुआ है। पार्ट वन थोड़ा सा बड़ा हो, पार्ट टू में तो बहुत ज्यादा कुछ है ही, है ना। पार्ट टू में इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी वो खत्म है ना। ज्यादातर जो पोर्शन उसके चैप्टर्स इसमें हैं बड़े बड़े, वो पार्ट वन में। तो आज हम एनसीईआरटी पार्ट वन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अब आपका जो अगला टेस्ट होगा ना कमिंग, अभी तो मेरे ख्याल से कल ऑलरेडी करंट का टेस्ट है, उसके बाद जो भी टेस्ट होगा उसमें एनसीईआरटी पार्ट वन पूरा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके अभी तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है पूरे का एक कंबाइंड टेस्ट है ना। अगला जो भी टेस्ट होगा, मुझे ये नहीं पता डेट क्या है उसकी, लेकिन जो भी डेट होगी उसमें पूरा हम कंप्लीट करेंगे, है ना, पूरा कंप्लीट टेस्ट है ना। तो ऐसे ही आपका जब पूरा 12th खत्म हो जाएगा तो एक टेस्ट हो जाएगा पूरे कंप्लीट 12th सिलेबस का। फिर 11th की जो रिविजन करने के बाद फिर पूरा 11th का कम्प्लीट हो जाएगा, और ऐसे कम्प्लीट करके हम टेस्ट देते हैं। तो अब आपका जो ऑलरेडी करंट के बाद टेस्ट होगा उसमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलो आज जो हम पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग मैंने बोला भी था कि मेन जो चीज है वी स्टार्ट विद टुडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या वी कॉल इट एज ईएम वेव्स। हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ते हैं वी स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। एक्चुअली में क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम पढ़ते हैं तो ये जो मेन जो इसके साइंटिस्ट थे जिसके लिए मैंने पोस्टर भी शूट किया था, His name was the James Clerk Maxwell. हाँ, तो Maxwell ने क्या किया ना, तो उसने ये बोला कि हम ये चैप्टर अलग अलग जरूर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म, EMI, AC एंड ऑप्टिक्स भी कई हद तक, लेकिन एक्चुअली में सारे का बेसिक कंसेप्ट सेम है ना। उसने क्या किया कि अलग अलग जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स थे ना उसको यूनिफाई कर दिया, बोला नहीं ये सेम प्रिंसिपल से ही सारी चीजें क्या होंगी जैसे आपके एड्रेस होंगे। उसने बोला जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हो, तो उसने ये प्रूव कर दिया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसने जस्ट ये प्रूव कर दिया इन सारे उससे कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि लाइट भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है। तो उसने बोला ऑप्टिक्स भी कोई इससे अलग चीज नहीं है, बल्कि ऑप्टिक्स भी नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही ओरिजिन हो रही, कहीं ना कहीं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही क्या है आपका इन्वॉल्व। उसने बोला कि वैसे तो हम ये अलग अलग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं ये सारे चैप्टर को अगर मैं कंबाइन करूं तो सिर्फ 4 इक्वेशंस आ जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो भी तक अभी तक आपने पूरा आपके जो 12th में अब तक पढ़ा है आपने, जब भी आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी मई से लेके अभी तक, एक्चुअली में आपने 4 ही इक्वेशन पढ़ी। पूरा का पूरा जो सिलेबस है सिर्फ ये 4 इक्वेशंस के ऊपर क्या है आपकी बेस्ड है, उसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, है ना। तो जो भी चीज अभी तक आपने पढ़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं आपका मैक्सवेल इक्वेशन, है ना। तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है एक्चुअली में 4 इक्वेशंस का एक कॉम्बिनेशन है। तो मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो होता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है जैसे कि आपकी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, दिस इज सिंपली नोन एज ए गॉस, है ना, कि गॉस लॉ ऑफ क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू इनक्लोज्ड बाय किसके हो जाएगा आपके एप्सिलॉन। फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी याद, दिस इज नोन एज ए गॉस लॉ ऑफ बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। क्योंकि आपको पता है जो आपका कूलम्स लॉ है वो भी इसी पर बेस्ड, तो अगर मैंने ये लिया मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका। सेकंड इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी, हाँ, इक्वल टू आपका आ जाएगा जीरो, इसको हम बोलते हैं ये तो आपका होता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। वैसे आपको यहाँ पे आ जाएगा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सेकंड इक्वेशन,
है ना, कि गॉस लॉ को अगर मैग्नेटिज्म में लिखें तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, ये होंगे, है ना। उसका मेन मतलब ये होता था कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा मैग्नेट में क्या होता है कि आपके डाइपोल्स ही होते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी आ गई। थर्ड इक्वेशन जो मैक्सवेल की होती है वो आपकी फैराडेज लॉ होती है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होगा, ई डॉट डी एल जो होगा, है ना, ये इक्वल हो जाएगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी, है ना। इसी को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ, है ना। ये जो आपका लॉ है दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या है कि आपका फैराडेज लॉ है। इसमें जो ई है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज इंटीग्रल ले लें तो माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी के इक्वल हो, डी फाई बाई डी टी का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, कि फाइव बी का मतलब क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तीन लॉ तो एकदम सिमिलर है जैसा हम जानते हैं, या आप ये भी जानते हो पहले पढ़ा हुआ है आपने, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, तो इस तीन इक्वेशन में तो कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। लेकिन फोर्थ जो इक्वेशन है ना इसमें स्पेशल, फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लिखेंगे बी डॉट डी एल, है ना, तो अब तक आप लिखते थे सिंपल म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, अब म्यू नॉट के साथ एक फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आई तो आएगा ही प्लस आपका यहाँ पे एक और टर्म भी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी, है ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा आपका डी फाई ई बाई डी, है ना। इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल, इसको हम क्या होता है आपका एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना इसी फोर इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। फोर्थ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, सिंपल मे नॉट इनटू आई के साथ हमने एक चीज और ले रखा, उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी, है ना। इसमें रखना जो ये जो चीज है ना फाई ई, फाई ई आपको होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो फाई बी होता है This is known as a magnetic flux. ये क्या हो जाएगा जैसे कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली में जो जेम्स क्लॉक क्लार्क मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन किया था उसने थोड़ा सा रिवर्स सोचा। यहाँ से आपको पता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो गई तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, है ना। यहाँ पे जस्ट हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आपका कोई भी रीजन, इस तरह से अगर कोई रीजन मैं यहाँ पे बना लू और इसमें इंटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, इंटू द प्लेन क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और आपको पता है अगर इंटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है डी फाइव डी बी बाई डी टी सपोज ग्रेटर देन जीरो, तो आपको पता है यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट हम बोलेंगे इस पूरे रिजल्ट में यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ई इंड्यूस, है इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक, जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। सिंपल सर, चेंज इन फ्लक्स हम यहाँ पे लिख देते थे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स राइट जनरेट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि कहीं पे भी अगर टाइम के साथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड चेंज होगी तो वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा जैसे कि आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने सोचा कि इसका उल्टा भी सही है कि कहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करें या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें तो क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, तो वो होती है। अगर मैं यहां पे ऐसा ले लूं ये कोई रीजन है और इसमें इंड्यूस द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो डी बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमें देखते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर आप यहाँ पे कोई कंपास लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन हो गए तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा जैसे कि आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी इंड्यूस, है ना, यहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया जैसे कि आपकी डेवलप हो। तो जस्ट मैक्सवेल ने ये बोला कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो
तो वो भी क्या जनरेट करेगा वैसे कि आपके मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ जस्ट ये बोलेंगे कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट जनरेट राइट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सिंपल सा कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या जनरेट करेगा जैसे आपके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये आपका जस्ट आपके रिवर्स थिंकिंग का क्या था वैसे कि आपका एग्जांपल राइट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की, मैक्सवेल ने इसको करके यहाँ पे ये वाला टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया कि उसने ये बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो करंट, कि वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी आपने बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या जनरेट करेगा वैसे कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के दो तरीके होंगे, या तो इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट हो सकती है या किससे जनरेट हो सकती है जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो भी क्या जनरेट होगी जैसे कि आपकी मैग्नेटिक। तो इसी को जब कंबाइन करके हम लिखते हैं तो इसी को हम लिखते हैं जैसे कि आपका एम्पियर मैक्सवेल। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दो आप इसमें कि अगर ये चीज कोई करंट है तो इससे जो चीज ऐड होगा वो भी करंट होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना कि भाई करंट से जो टर्म ऐड होगा वो करंट ही होगा, मतलब डायमेंशनली ये वाला जो पूरा टर्म है ये करंट के इक्वल ही हो है ना। तो इस करंट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, यहाँ पे जो एक करंट आई है कि भाई ये भी चीज कोई करंट है, तो यहीं से कंसेप्ट आ गया कि ये जो स्पेशल करंट है इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि ये जो स्पेशल करंट है इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जैसे मैंने आई जो लिखा था सिंपल, इसको हम बोलते थे कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्शन करंट का जो कॉज है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो कंडक्शन करंट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक करंट आ गई उसको हम बोलते हैं आईडी, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप इसे बताए डिस्प्लेसमेंट करंट का ऑरिजिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, बल्कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो ऑरिजिन होता है वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों ऑरिजिन हो रही है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिस्प्लेसमेंट करंट जब भी हम बात करेंगे तो दिस इज द ड्यू टू चेंज इन राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं भी टाइम के साथ चेंज होगा तो वहां पे क्या राइज हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। और अवश्य बात है जो आपकी ये कंडक्शन करंट होगी ये तो सिंपल डिक्यूबिलिटी के इक्वल होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन जो कंडक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट होगी आईडी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय टू। कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। और एक्चुअली में ये दोनों इक्वल ही होती है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट होती है दोनों क्या होते हैं आपके इक्वल, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये दोनों कोई अलग चीज नहीं होती बल्कि एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दोनों क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। समझ सकते हो जैसे मैं कई बार ऐसा होता हूँ कि यहाँ मैंने कैपेसिटर ले लिया था, ये आपका कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर से मैंने यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा, दिस इज योर एसी सोर्स है ना। आपको जैसे मैं एसी सोर्स लगाऊंगा इसमें करंट फ्लो होगी और इसका जो प्लस माइनस चार्ज होगा कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बाहर में कितनी करंट फ्लो हो रही है इस वायर में, वो करंट तो सिंपल इससे आ जाएगा भाई ये जो चीज होगी ये डिक्यूबिलिटी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कभी भी करंट जब फ्लो होती है तो किसी क्लोज पाथ में फ्लो होती है, यहाँ पे तो एक ओपन पाथ आ गया। अब होता है ऑलरेडी करंट में कैपेसिटर लगा होता तो कंटिन्यूसली करंट फ्लो होती है, कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या फ्लो होती है आपकी करंट फ्लो होती है, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूसली क्यू चेंज होता रहे और अगर क्यू चेंज होगा तो उसको फ्लो करने के लिए करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो यहाँ पे एक मिसिंग लिंक आ गया, तो बाहर को आप वायर में सही बोल रहे हो कि चार्ज फ्लो हो रहा है लेकिन बीच में क्या चीज है, बीच में कंडक्शन में क्या चीज आता है। तो हम बोलते हैं बाहर तो कंडक्शन करंट है, इसके बीच वाले स्पेस में ना एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके बीच में क्या होगा इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, और हम बोलते हैं कि बाहर कंडक्शन करंट है, बीच में जो करंट होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, उसका कौन सा करंट होती है डिस्प्लेसमेंट। भाई वायर, वायर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसकी वजह से करंट है, बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से, और ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, अभी तो कंटिन्यूएशन बनेगा, अगर ये नॉन इक्वल है फिर तो कंटिन्यूएशन बनेगा ही नहीं, तो हम निकाल के इक्वल प्रूफ भी कर देते हैं कि भाई दोनों चीजें इक्वल ही होती है ना। आप थोड़ा ध्यान दो कि जब भी मैं ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो आप लिख दोगे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से फाई ई की जो वैल्यू होगी, जब भी मैं फ्लक्स लिखूंगा तो फील्ड इंटू एरिया हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाहर आ गया, यहाँ से डी बाई डी टी, यहाँ से क्या गया आपका डी बाई डी टी। और हम जानते हैं कैपेसिटर के बीच में फील्ड कितनी होती है, कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई ए, तो इस ई को आप यहाँ पुट करो, तो जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा आपको होता है एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, है ना, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाहर भी था, एप्सिलॉन नॉट ए नीचे भी आ जाएगा, और डी क्यू बाई डी टी तो आ जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी तो आ गया क्योंकि कंडक्शन करंट है। तो इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि अगर मैं इस टर्म्स को भी ठीक से लिखूं तो ये डी क्यू बाई डी टी आ जाए, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्शन करंट होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ये हमेशा इक्वल होगा, हर स्टैंड पे कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है आपके सेम, इन दोनों का कॉज अलग अलग होता है, ये जो कंडक्शन करंट है उसका कॉज है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहाँ पे कोई कंपास रखूँ तो मैं ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से हुई, मैं इसके बीच के स्पेस में कंपास रखूँ तो भी ये डिफ्लेक्ट होगा, तो ये किस करंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों ओरिजिन हो रही है, क्योंकि हम टाइम के साथ फील्ड चेंज करें, जब भी टाइम के साथ फील्ड चेंज होगी तो वहां पे क्या जनरेट हो जाएगा इसलिए आपके डिस्प्लेसमेंट करें, तो कई बार ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मैंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड दो वजह से ओरिजिन हो सकता है, एक तो सिंपल करंट की वजह से और सिंपल दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, तो इसी दोनों को हमने मैक्सवेल के फोर्थ लॉ में क्या कर दिया जैसे कि आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं, इससे नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। है ना, तो ये हम कर सकते हैं किसी को हम बोलते हैं इसके लिए आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जस्ट ये फोर इक्वेशन से ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है आपका गवर्न, जो भी चीज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से अभी तक पढ़ी है वो इसी चार इक्वेशन के अंदर ही है ना, और इवन कई बार हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं क्योंकि मैंने बोला कि लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जो भी हम एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं लाइट के कैसे भी क्या कर सकते हैं आपके यूज कर सकते हैं, लाइट के कैसे भी हम इसको क्या करेंगे आपका यूज, राइट, ये थोड़ा सा मैक्सवेल की इक्वेशंस आ गई और एक नया कंसेप्ट आ गया उसी को हम बोलते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट है उस बारे में डिस्कस। इसके बाद आ जाते हैं तो नेक्स्ट चीज है आपकी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसी सब चीजों से एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लिंक है, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक क्या चीज है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इसको आप ध्यान से समझना थोड़ा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज टाइम वेरिंग
टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। भाई जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो इससे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्पेस में प्रोपगेट करेगी, इसको एक चीज और ले लेना, विच रीजनरेट ईच अदर, विच रीजनरेट ईच अदर एंड ट्रेवल इन स्पेस, ट्रेवल इन स्पेस है ना, ट्रेवल भी करती है, ट्रेवल इन स्पेस है ना, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, ये आपका होता है। आप सिंपल से ध्यान दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच रीजनरेट ईच अदर, एक दूसरे को रीजनरेट कर रहे हैं। तो मैक्सवेल ने यही तो कंट्रीब्यूट किया कि उसने बोला कि जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दोनों में लिंक है ना, कि दोनों एक दूसरे को रीजनरेट करती है और स्पेस में ट्रेवल करती है, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होगी? एक्सेलरेटेड चार्ज से, कि जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इसलिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, दोनों करता है, और अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो वो जो टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं? सबसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इससे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे को रिजनरेट करती है, स्पेस में ट्रेवल करती है, और ये प्रोड्यूस किससे होती है? सबसे आपके एक्सपेक्टेड चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ तो डायग्राम जस्ट मैं ऐसा बना सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने बनाया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है वो सपोज ऐसा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट जो मैंने इस तरह से बना लिया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट, जो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, ऐसा ये आपका जो कंपोनेंट है कौन सा है? इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और चूंकि ये वेव है तो इसको हम वेव के इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, समझेगा भाई? अगर ये वाई है और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपोगेट हो रही है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें के और ओमेगा वही है जो आपने मैकेनिकल वेव में पढ़ा, जो आपने मैकेनिकल वेव में पढ़ा था सेम चीजें आपके के एंड के हैं, इसलिए आपके ओमेगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया। सर एक बार बता दो सर, याद नहीं है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में जो के था वो एंगुलर वेव नंबर था, है ना? यहाँ पे जो के था उसको हम क्या बोलते थे? जैसे कि आपका एंगुलर वेव नंबर, है ना? जो मैकेनिकल वेव में पढ़ा था वही चीज है ना, दिस के इज नोन एज ए एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। इस एंगुलर वेव नंबर से हम वेवलेंथ निकालते, इस k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? 2 पाई बाय लैम्डा, और जिसमें ओमेगा था दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू होती है और इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी या ओमेगा पे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, हां? तो ये आपका ओमेगा हो गया, ये k हो गया, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते थे तो वेव की वेलोसिटी है, तो वेव वेलोसिटी तो इस केस में सी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट, तो सी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के ले सकते हैं, ये इसी को हम ले सकते थे लैम्डा बाय टी, ये इसी को हम ले सकते थे लैम्डा, तो हम जानते हैं
जो स्पीड वेलोसिटी होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है प्रोडक्ट, तो के और ओमेगा जो है सेम वही चीज है जो हम मैकेनिकल रेडियो करते हैं। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है, हम ही जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाइट से स्केल में ऑसिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट हम बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट आपके इस तरह से होगा, यस है ना, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, चेंज हो रही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब भी हम बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है जो कि परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होती है आपकी चेंज होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाला चीज जो परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस के लॉन्ग बना दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ईवाई बोला है ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब लिखेंगे तो उसको मैं बीजेड लिख दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या बोला आपका चेंज, और बीजेड की वैल्यू हो जाएगी बी का एम्पलीट्यूड बी नॉट इंटू बाकी सारी चीजें सही के एक्स माइनस ओमेगा, कोई चीज कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि स्पेस में ट्रेवल करती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो इसकी जो ट्रेवल की डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी, स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी इस तरह से ट्रेवल। अभी क्या है ये ई नॉट एंड बी नॉट आपस में लिंक होते हैं, ये प्रूफ करते हैं, लेकिन आपको उतना प्रूफ जरूरत नहीं है, जो ई नॉट एंड बी नॉट का रेशियो होता है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो c की वैल्यू होती है वो e नॉट एंड b नॉट का रेशियो, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो। एक और भी चीज हम जानते हैं, वह जो c होगा इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वन बाई अंडर रूट ऑफ बी नॉट इंटू एप्सिलॉन, है ना, इससे तो हम बोलते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है, स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्ट आने की वैल्यू उसको करेंगे, अगर हम वी नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो अल्टीमेटली स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी, तो कई बार ये दोनों रिलेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करने में यूज होते हैं, सी इक्वल टू या तो आप लिखोगे ए नॉट बाई बी नॉट या सी की वैल्यू क्या लिखोगे जैसे कि आपका यूज, तो कई चीज में एक चीज क्या होगी जैसे कि आपकी यूज उसको एक आपस में ये आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा पढ़ने का नहीं है तो फिर भी जानना चाहिए, नीट में एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, अब एक चीज है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी ट्रांसफर करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, है ना, सिंपल से हम बोलेंगे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि भाई कोई भी अगर ईएम वेव होगा तो इसकी एनर्जी कितनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव की एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो आपको जानता ई एम वेव की जब एनर्जी डेंसिटी हम लिखेंगे तो इसमें दोनों तरह की एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और मैग्नेटिक भी, और ये कितनी होती है हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होती है वो आपकी होती है हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय टू मीटर, ये आपने पढ़ा होगा कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उतनी होती है, और कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो दोनों होते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी में दोनों कंपोनेंट है, लेकिन ये जो चीज है ना इसमें ई और बी वेरिएबल है, इसमें ई एंड बी आर वेरिएबल, इसमें ई एंड बी क्या होंगे जैसे आपके वेरिएबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे जैसे आपका एवरेज एनर्जी डेंसिटी, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि ई और बी वेरिएबल है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी,
इसकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, यू एवरेज कितना होगा? तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालने का मतलब जब आप यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालोगे ई स्क्वायर के एवरेज निकालेंगे, तो देखो जब आप ये लिखोगे, ये आप जानते हो ई स्क्वायर टू ई नॉट इंटू साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी, तो जब मैं यहां से ई स्क्वायर का एवरेज निकालूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालूंगा वो तो हाफ होता है, तो ई स्क्वायर का जो एवरेज होगा वो ई नॉट स्क्वायर बाई टू होगा। ऐसे बी स्क्वायर का भी एवरेज यही हो जाएगा, जब मैं बी स्क्वायर का एवरेज निकालूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाई टू, क्योंकि फंक्शन तो दोनों साइन ही होते हैं। तो ए की एवरेज वैल्यू इतनी होगी, बी की एवरेज वैल्यू इतनी होगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी U average, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, एक हाफ तो पहले था ही, एक इसकी एवरेज वाला हाफ होगा, और ये जो इंस्टेंटेनियस था वो एम्पलीट्यूड पे चेंज है, प्लस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी आ गया, आप लिख दोगे हाफ इंटू यहाँ पे आ गया बी नॉट स्क्वायर बाई टू, बी नॉट स्क्वायर बाई क्या लिया इसकी आपका टू म्यू नॉट। अब एक चीज आप ध्यान दो कि यहां से अभी हमने इक्वेशन तो पढ़ लिया, यहां से अगर आप इसको किसी भी एक के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, वैसे अगर दोनों के टर्म्स में होगा तो दोनों का सम होगा, है ना, लेकिन हम वेव की एक प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं कि जो जैसे सिंपल मैकेनिकल वेव होती है तो उसकी एवरेज काइनेटिक एंड पोटेंशियल हमेशा सेम है, कि सिंपल मैकेनिकल वेव की एवरेज काइनेटिक एंड पोटेंशियल क्या होती है जैसे आपकी सेम होती है, वैसे इसमें भी है कि ये दोनों टर्म सेम होते हैं, जितनी ये वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू होती है, तो सिंपल सा बोलेंगे इन ईएम वे राइट एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ डेंसिटीज आर सेम, बोथ टाइप्स ऑफ डेंसिटीज आर सेम, हाँ कि एवरेज वैल्यू दोनों की डेंसिटी की क्या होती है उसकी आपकी सेम होती है, हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैं इस वाले टर्म को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं यहां से कर सकता हूँ दोनों को यूज करके, अगर ये वाला जो टर्म था आपने लिखा हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई टू मी नॉट, इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में यहाँ मैं ये लिखूंगा हाफ मी नॉट की जगह पे आ गया ई नॉट स्क्वायर बाई टू मी नॉट इन टू सी स्क्वायर आ गया, और सी स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर दोगे आप, तो अल्टीमेटली जैसे सी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे मैं पुट करूंगा आपका वही टर्म आ जाएगा हाफ, है ना, यहाँ पे आपका जगह जगह आपका म्यू नॉट हाफ इन टू हाफ म्यू नॉट इन टू ए नॉट स्क्वायर दिया जाएगा, सी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो म्यू नॉट वाला सॉरी एप्सिलॉन, यहाँ पे जो टर्म आएगा वो क्या जाएगा कि आपके एप्सिलॉन होता है, जब ये टर्म हम सी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो म्यू नॉट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली में इसमें जो दो टर्म आ रहे हैं ये दोनों इक्वली होते हैं, दोनों टर्म क्या होते हैं आपके इक्वली होते हैं, तो अगर दोनों इक्वल होते हैं तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है इसका फॉर्मूला मैं ये ले सकता हूँ किसी भी एक के टर्म्स में, या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स पे लिखूंगा तो मैं इसको ये लिखूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर, ये हाफ और ये हाफ दोनों सेम हो गए तो वन में कन्वर्ट हो गए नीचे आ गए, या इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अगर टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको लिख दूंगा बी नॉट स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, तो ये अल्टीमेटली फॉर्मूला है ना कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो अपने साथ एनर्जी का ट्रांसफर करती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डेंसिटी एनर्जी होगी उसकी वैल्यू ही होगी, है ना, उसकी अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं या तो हम इस फॉर्म से लिखेंगे या इस फॉर्म से लिखेंगे, दोनों में से किसी फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं आपका कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करें।
अल्टीमेटली तो इंस्टेंटेनियस आपने सम किया था, उससे एवरेज निकालो तो दोनों टर्म आ गया, और दोनों टर्म अगर सेम होते हैं तो किसी भी एक पे ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं उस कनेक्टिंग फैक्टर से, उस कनेक्टिंग फैक्टर को यूज करेंगे तो किसी के ट्रांसफॉर्म भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट। तो इस तरह से आप उसको you can go for this question.
हाँ कुछ आंसर आ रहा है आपका, है ना? क्वेश्चन नंबर 19, लेट मी चेक द आंसर। 19 का आंसर क्या है? अच्छा सबका सी आ रहा है। हाँ सभी लोग सी बता रहे हैं, है ना? कृतिका, प्रणाम, पुलकित एंड, है ना, एंड देवांश, है ना, वरिषा, है ना, सबका सी आंसर सही बता रहे हैं। लेट मी चेक, है ना, इसका आंसर बेसिकली क्या है? वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इसने पूछा हुआ है ना, तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के इक्वली तो होती है ना। मेटास इसी तरह से आपने सॉल्व कर लिया होगा ऐसे कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम ही चीज तो होती है, दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी होता है। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होंगे भाई? दूसरी सी ऑप्शन सबका सही आ रहा है ना, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो एक्चुअली में जब कंडक्शन करंट आप निकालते हो तो किसी भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होता है? क्यू इक्वल टू सी भी होता है। अगर इसमें मैं करंट निकालना चाहूँ तो करंट की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी होती है, तो सी तो चेंज होगा नहीं, वोल्टेज तो चेंज होता है, तो सी इंटू डी बाई डी हो जाएगा। ये कंडक्शन करंट निकाल लिया आपने, और आपको पता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा क्या होती है? तो जो कंडक्शन करंट का आंसर होगा वही किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट का आंसर होगा। तो सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी, और इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज दिए, तो इसको सॉल्व करके मेरे ख्याल से सी ऑप्शन सही है। जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है इससे आपका सी ऑप्शन सही। हाँ चेक करो इस आंसर से। पता नहीं मेरे पास लेकिन इसमें डी ऑप्शन सही दिया हुआ है, मेरे पास जो आंसर है उसमें अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है। आप चेक करो जरा इसको वैल्यूज पुट करके, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, है ना? कई बार आंसर में भी मिस्टेक होती है, है ना? हाँ कई बार आंसर में भी मिस्टेक होती है। तो इसने पेट का क्या दिया हुआ है आपको? ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, सही है। 2 सर्कुलर पेट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 0.1 mm, सही तो है भाई? जो एरिया होगा या पायर स्क्वायर ले लो, एरिया क्या हो जाएगा? जैसे आपका पायर स्क्वायर हो जाएगा, और ये सारी वैल्यूज आप टाइप करो, एरिया क्या हो जाएगा? पायर स्क्वायर करेंगे, डी दिए हुआ है, डी बाई डी दिया हुआ है, इस रेट से वोल्टेज आपका चेंज हो रहा है ना, तो चेक कर लेना जो आपका आंसर इस पर कर दो, और सी आ रहा है तो सी से इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सी आ रहा है इसको सॉल्व करके तो सी सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। नैनो टेस्ला है, स्मॉल एन टी का मतलब है इट हैज बीन गिवन नैनो टेस्ला।
हाँ कुछ आंसर आ गया, ठीक है, विदुषी और आंसर इज करेक्ट, पुलकित्य और आंसर इज करेक्ट, दिव्यांश और आंसर इज करेक्ट, कृतिका और आंसर इज करेक्ट, पुलकित, विदुषी, निमिषा और आंसर इज करेक्ट। हाँ सबका सी ऑप्शन आ रहा है, आपको अभी बताया नहीं, सही बात है, विदुषी सही ऑप्शन बता रहे हो आप इसमें, है ना, कि भाई इसमें कुछ सोचने वाली बातें नहीं है ना, इसको तो मैं इनफैक्ट एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, ये अभी आपने पढ़ा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, E नॉट बाई बी नॉट, है ना, तो अगर E नॉट मुझे निकालना है तो बी नॉट को मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, बी नॉट को सी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से 6 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, इससे जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 6 वोल्ट पर मीटर, है ना, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड को स्पीड ऑफ लाइट ही रिलेट करते हैं, तो इससे आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन इजी होते हैं इसमें, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या चीज करना है, तो इस तरह समझ सकते हैं, चलो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, हाँ सही है, निमिषा योर आंसर इज करेक्ट, पुलकित योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही बता रहा हूँ, पुलकित और निमिषा योर आंसर इज करेक्ट। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सही है, आप नाम सही आंसर है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लिख लो इसको, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, तो अभी तो आपने पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इसकी जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर होती है, इसे सीधे वैल्यूज पुट कर दो, है ना, ये जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं, और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है इसने,
उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका बी ऑप्शन सही आएगा। पहले सपोर्ट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा क्योंकि आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है उसी ने इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा नया टर्म यूज होता है, आप थोड़ा सा एक चीज एनसीईआरटी से कुछ से पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, वो मतलब मैं यहाँ पे पढ़ाने की उसमें कोई चीज नहीं है, मेमोराइज करने की चीज है भाई इंफ्रारेड क्या होता है, माइक्रोवेव क्या होता है, उसकी वेवलेंथ क्या, फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है, कई बार एनसीईआरटी से उसको पढ़ना है, कई बार उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा अच्छे से बनना है ना, तो उसको एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी से, उसके अलावा सारी चीजें होता है। ये जस्ट हमने डिफाइन केस के तो आ जाते हैं, एक टर्म आप यहाँ पे डिफाइन करते हो उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, है ना, तभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टर्म होता है सीक्वेंस, क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर, है ना। तो पॉइंटिंग वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये थोड़ा सा ध्यान, दिस इज नोन एज ए, हम ऐसा बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट, इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर और पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम क्या होता है जैसे आपका वेक्टर एस लिखता है, ये जो सिंबल इसके लिए हम यूज करते हैं एस यूज करते हैं, एस और पॉइंटिंग वेक्टर, एंड इट इज गिवन बाय, एंड इट इज गिवन बाय हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस बी By mu naught, हाँ, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जस्ट मैंने लिखी है, सॉरी आपने होता है इसमें, यहाँ पर होता है इसलिए आपका, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर चैप्टर नहीं है इसलिए उतना इसकी चीजें मेमोराइज नहीं होती, E क्रॉस B होती है, हाँ, पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन EM वेव इज गिवन बाय वेक्टर S, इसी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ ऑफ मू नॉट EMB का क्रॉस B, है ना। और ये क्या चीज देता है आपको ध्यान, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड गिव्स रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, फ्लो टू ए परपेंडिकुलर एरिया, टू ए परपेंडिकुलर एरिया, हाँ, किसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या देगा जैसे कि आपका रेट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू ए परपेंडिकुलर एरिया, भाई किसी परपेंडिकुलर एरिया से कितने अमाउंट की एनर्जी फ्लो होगी वो इसका मैग्नीट्यूड देता है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस, मैग्नीट्यूड ऑफ द एस तो जस्ट ये हो जाएगा कि हाफ ऑफ, हम जस्ट ये लिख देंगे यहाँ पे ई इंटू बी बाई म्यू नॉट, क्योंकि ई और बी में एंगल तो 90 डिग्री होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट हट जाएगा ना, यहाँ पे सिंपल ई इंटू बी आ गया बाई म्यू नॉट आ गया, तो जो पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो ई बी बाई म्यू नॉट है, लेकिन ये तो कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसकी, ये कौन सी वैल्यू है वैसे कि आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये आपकी जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसी की हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो जो पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू होती है वो एक्चुअली में इंटेंसिटी ऑफ द वेव, जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसकी जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है वो इंटेंसिटी को शो करती है, तो सिंपल लिखेंगे इट्स एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव, रिप्रेजेंट वेव इंटेंसिटी, वेव की इंटेंसिटी को क्या करता है आपका ये रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, जब मैं इस एस की एवरेज वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे ई नॉट इंटू बी नॉट आ जाएगा, और जब ई नॉट बी नॉट आएगा तो नीचे टू आ जाएगा,
क्यों आएगा आपको पता है, जब स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो यहाँ पे हाफ आ गया, तो ई नॉट इंटू बी नॉट में कितना आ गया, जैसे कि आपका टू आ गया, किसी भी एक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी नॉट स्क्वायर बाई टू मी नॉट इंटू सी, हाँ इस ई नॉट की जगह पे मैंने कन्वर्ट कर लिया है ना, ई नॉट की जगह पे मैंने इसको क्या कर दिया, जैसे कि आपका कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो एस की एवरेज वैल्यू है यही होती है इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ये चीज क्या होती है, इसलिए आपकी इंटेंसिटी ऑफ वेव, कई बार इंटेंसिटी ऑफ वेव आई जो लिखा जाता है वो एस की एवरेज वैल्यू है क्वांटिटी वैक्टर, और इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर बाई टू वी नॉट इन टू सी एल, और इंटेंसिटी का मतलब हम जानते हैं किसी भी वेव की इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जब भी हम इंटेंसिटी ऑफ द वेव बात करते हैं ये आपका होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, भाई किसी भी एनर्जी जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में तो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ध्यान रखना कि जो पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू होती है वही वेव की क्या होती है, जैसे आपकी इंटेंसिटी होती है, तो मैंने यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में चेंज किया, आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, दोनों टर्म्स क्या होंगे जैसे कि आपके सेमी है, दोनों में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता, तो ये आपका आ गया इंटेंसिटी ऑफ द वेव, तो ये जस्ट हमने कर लिया कि ये वेव क्या होती है, जैसे आपकी इंटेंसिटी होती है। अब एक चीज आता है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी टर्म यहाँ पर थोड़ा समझ लेना जरूरी होगा ये बेसिक टर्म जानने के बाद, कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वो सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक कंसेप्ट हम यहाँ पे रिलेटेड पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, वी कॉल इट एज अ रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, दिस इज द व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक्स ए सरफेस, स्ट्राइक ए सरफेस देन इट एक्सर्ट a force on it and that force per unit area is called radiation pressure, is called radiation pressure। एक रेडिएशन प्रेशर का कांसेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगी ना तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगी और वही फोर्स पर एरिया को हम क्या बोलते हैं, आपका रेडिएशन प्रेशर। तो आप लोग जानते हो मैं रेडिएशन प्रेशर निकाल सकता हूं, जैसे मैंने ये बोला कि ये कोई इस तरह से वॉल है या इस तरह से कोई ऑर्बिटल सरफेस है ना, और इससे कोई इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे क्या स्ट्राइक कर रही है, जैसे आपकी कोई लाइट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, लाइट कोई बीम स्ट्राइक कर रही है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और हम ही जानते हैं कि ये सरफेस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दिस इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस, वैसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं, तो जैसे इसको स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर ना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वही प्रेशर मुझे निकालना, तो प्रेशर होता कितना, व्हाट इज दैट प्रेशर, तो प्रेशर के लिए हम ऐसा लिख लेंगे कि भाई ये जो प्रेशर होगा ये आपको हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स यहाँ पे मोमेंटम चेंज की वजह से है, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे 1/a फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। अब एक चीज आ गया कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम कितना होगा, अब रखना मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ना, जब भी हम बात करेंगे मोमेंटम ऑफ ईएम वेव्स, जब मोमेंटम वर्ड हम यूज करेंगे तो
तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है यू अपॉन सी, किसी भी, दिस इज द मोमेंटम ऑफ रेडिएशन। जैसे वैसे मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होती है, लेकिन रेडिएशन का मोमेंटम होता है यू अपॉन सी, यू इज द एनर्जी। एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट ही क्या होती है, जैसे आपकी मोमेंटम ऑफ रेडिएशन है ना। तो आपको पता है पी यहाँ पे आ गया, कितना समझना होगा आपको किस तरह से रेडिएशन आया, पूरा इसने ऑब्जर्व कर लिया, तो इससे मोमेंटम में चेंज हुआ है, और उस मोमेंटम में चेंज की वजह से फोर्स बना हुआ, और इसी फोर्स पर एरिया को क्या होते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो आपको ध्यान दो, मोमेंटम हमने यू बाई सी लिखा है, अल्टीमेटली मैं इस टर्म को ही ले सकता हूँ, वन बाई ए, वन बाई सी तो बाहर आ गया, यहाँ पे डी बाई डी टी। और थोड़ा सा ध्यान दो कि जो ये वाला टर्म है हाँ, यहां से हमने du by dt ले लिया है, ये वाला जो पूरा टर्म है du by dt upon area, ये इंटेंसिटी तो होगा, तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो du by dt एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है, उसको अपने एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म इंटेंसिटी होता है। तो अगर किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी आई आपको दी हुई है, और ये पूरा इसको अगर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इसके ऊपर ये प्रेशर एग्जर्ट, और वो जो रेडिएशन प्रेशर होता है उसकी वैल्यू इस केस में आ जाएगी आई बाई सी। अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो जब ये अगर इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और वो प्रेशर क्या होता है, इंटेंसिटी बाई स्पीड ऑफ है ना आई बाई सी है ना। यहाँ पे जानता मैंने जो मोमेंटम लिया है वो एनर्जी बाई सी होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे तो रेडिएशन के क्या जाएगा आपकी मोमेंटम। ये तो मैंने परफेक्ट एब्जॉर्बिंग ले लिया है, अगर ये परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग होता है ना, अगर इसी केस में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मिरर है जो कि परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है ना, किस तरह से आया और पूरी चीज रिफ्लेक्ट हुई है ना, सरफेस जो है अगर ये परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग होता ना, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग में टू आ जाता है, क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो डबल हो जाता है। तो अगर ये परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग होता तो जो रेडिएशन प्रेशर होता वो टू आई बाई सी है ना, कि अगर परफेक्ट एब्जॉर्बिंग है तो सिंपल आई बाई सी, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो टू आई बाई सी हो जाएगा, यहाँ मोमेंटम चेंज में डबल लगा है, क्योंकि जितना इसका होगा उतना इसका होगा, दोनों माइनस करेंगे तो एक्चुअली पास होगा। परफेक्ट रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, आपको टू आई बाई सी, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो परफेक्ट एब्जॉर्बिंग होता है ना परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, बल्कि पार्शियल होता है ना, कि कोई सरफेस अगर पार्शियल रिफ्लेक्टिंग पार्शियली रिफ्लेक्टिंग विथ कोफिशिएंट राइट रो, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना है, रो है, रो का मतलब हो गया कितना फ्रैक्शन वो रिफ्लेक्ट कर, इस कॉफिशिएंट रो का मतलब हो जाएगा कि टोटल का कितना फ्रैक्शन ये रिफ्लेक्ट कर, है ना। उस केस में निकाल सकते हैं कि भाई जो उस केस में रेडिएशन प्रेशर होगा ये आपका आ जाएगा रो इंटू टू आई बाई सी, भाई कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो जितना रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेगा उसमें डबल आ जाएगा, प्लस वन माइनस रो, अगर रो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वन माइनस रो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो इन पाई बाई सी हो जाएगा। तो पाई बेसिकली ये कोफिशिएंट गिवन है जब पार्शियल रिफ्लेक्शन, तो जब भी कोई लाइट या रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करता है तो उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट, और वो प्रेशर हम निकाल सकते हैं आई बाई सी, टू आई बाई सी अगर पार्शियल है तो भी है, लेकिन वो नॉर्मल प्रेशर आपको फील इसलिए नहीं होता है क्या देखो सबके नीचे सी आ रहा है और सी तो बहुत बड़ा अमाउंट है 3 to 10^8, तो जो प्रेशर होगा बहुत कम है ना, लेकिन वैसे रेडिएशन प्रेशर में यहाँ पे क्या है कि आपको कोई कंसर्न, जब भी रेडिएशन स्ट्राइक करेगा तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे रेडिएशन प्रेशर। जैसे इसमें तो क्या था ना, आपने सीधे सीधे नॉर्मल ले लिया कि ऐसे आया ऐसे वापस चला, ये पूरी चीज किसी एंगल में भी तो हो सकती है, यहाँ रेडिएशन प्रेशर किसी केस में एंगल पे भी निकाल सकते हैं,
है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी चीज आई भाई, यहाँ पे मैं परफेक्ट रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, रेडिएशन प्रेशर मुझे निकालना है परफेक्ट रिफ्लेक्शन, परफेक्ट रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से बाकी भी आप कह सकते हो। मैंने बोला कोई रेडिएशन ऐसे आ रहा है किसी एंगल पे, ये कोई लाइट है इस तरह से किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पे। नेक्स्ट ऑप्टिक्स नाम इसी के बारे में है, तो ये चीज नहीं है, ऑप्टिक्स तो बहुत आसान चीज, इसको तो बहुत आसान कर दिया, इस तरह से गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, और आपने बोला ये वाला एरिया ए और वर्टिकल से ये एंगल आपको थीटा ले, तो थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप थोड़ा ध्यान दो, जब मैं यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर निकालूंगा एक तो कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, यहाँ पे दो चीजें आप ध्यान रखना। आपने बोला इस बीम का एरिया ए, बीम का एरिया कितना है ए, मैं यहाँ पे जब मैं प्रेशर लिखूंगा तो आप ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन ए बाई कॉस, ये एक इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा ए बाई कॉस, क्योंकि आप ध्यान दो प्रेशर तो इस पूरे सरफेस इस पे लग रहा है ना, इस एरिया पे, और ये एरिया अगर मैं एडेक्स पे लू, ये एरिया में क्या लिखूं बेसिकली आपका ए डैश, तो पता है इसका कंपोनेंट तो ये एरिया है ए, ये वाला एरिया इसका कंपोनेंट होता है, एरिया ज्यादा होगा कम होगा, और इन दोनों एरिया के बीच में अगर एंगल थीटा ले लिया हमने, ये वाला बीच में अगर एंगल थीटा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अगर ये एरिया ए है और ये ए डैश है तो जो ए डैश कॉस थीटा होगा वो ए के इक्वल होगा। तो आप देखो प्रेशर इस एरिया में लग रहा है और बीम का एरिया तो सिर्फ इतना, तो प्रेशर होगा एफ बाई ए कॉस थीटा पे लिखा। अब जब फोर्स निकालेंगे तो हम लिख देंगे एफ बाई ए कॉस थीटा, तो सही है ना, यहाँ से आपका आ गया cos थीटा ऊपर चला गया बाई ए आ गया, फोर्स की जगह पे ट्वाइस ऑफ dp बाई dt cos थीटा होगा, ओके अंडरस्टैंड, क्या होता है जो मोमेंटम चेंज होगा पॉइंट ऑफ चेंज थोड़ी होगा वर्टिकली तो चेंज होगा, यहाँ से dp बाई dt cos थीटा, मोमेंटम चेंज भी कौन सा चेंज होगा वर्टिकल, ट्वाइस से आएंगे परफेक्ट रिफ्लेक्शन। हाँ, तो अब इस सब चीजों को अगर मैं समराइज करूँ तो रेडिएशन प्रेशर कितना आ जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पे आपका आ गया डीपी बाई डीटी बाई ए, डीपी बाई डीटी की जगह तो वही यू बाई सी, यहाँ से यू बाई सी अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए इंटू सी इंटू यहाँ पे आ जाएगा डीयू बाई डीटी अपॉन यहाँ पे आपका ए आएगा। अब ये टर्म हम जानते हैं, ये चीज तो इंटेंसिटी होती है, तो अल्टीमेटली आपके रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू है टू आई बाई सी, तो आई गया इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, ये चीज अगर वर्टिकल होगी तो थीटा जीरो होगा तो टू आई बाई सी आ जाए, तो ये थोड़ा फॉर्मूला आपके अलग है ना, मतलब इसमें पूरा डिटेल प्रोसेस भले नहीं आपको पता हो तो ये होना, यहाँ के वापस गया रेडिएशन प्रेशर, अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो रिफ्लेक्शन रेडिएशन प्रेशर, और अगर किसी एंगल पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन प्रेशर की वैल्यू है ना, टू बाई बाई सी इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आई जो है दिस इज द वेव इंटेंसिटी, वेव की क्या बेसिकली आपकी इंटेंसिटी, इसी को बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। इसलिए टीचर्स इस चैप्टर को पढ़ाना चाहते हैं ना, वो छोड़ के तुरंत ऑप्टिक्स में भाग जाते हैं, है ना, ये ऐसे भी नहीं पढ़ाना चाहते, ऐसे भी थोड़ा बहुत पढ़ाया और भागा तुझे ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स आसान चीज है वो हम काफी इजीली पढ़ लेते हैं, नहीं थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आपको जानना।
तो इसके ऊपर भी कई बार ऑप्शन मेडिकल एग्जाम में आ सकते हैं बेस्ड ऑन द रेडिएशन प्रेशर, आ भी चुके हैं पहले। बेस्ड ऑन द रेडिएशन प्रेशर भी आपसे पूछा जाता है। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर प्रेशर से इसलिए कंपेयर कर रहा है ताकि शो कर सके कितना कम प्रेशर होता है, ये प्रेशर कितना कम होता है। सही बात है, बिल्कुल दोनों आंसर सही है आपके, सही है। निमिषा सही आपका आंसर, सही सही लिखा। आपके पुल के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना जो पूछ रहे हो बीच में, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैंने चैट एक्चुअली पढ़ पाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना जो भी चीज आप पूछना चाह रहे हो, व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा मॉर्निंग में, कल शाम को फिर टाइम नहीं होता।
ठीक है, सही आंसर है इसका। वन किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना, वन किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ निमिषा सही आंसर है आपके, दोनों आंसर सही है, ठीक है बिल्कुल सही है। भाई इसने बोला है रिफ्लेक्शन ऑप्शन काफी सा है, 50% रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो प्रेशर होगा वो इतना हो जाएगा ना, रिफ्लेक्शन का ऑप्शन हाफ हो गया, प्लस वन माइनस ऑफ हो गया आई बाई सी जो एब्जॉर्ब होता है ना, तो यहाँ से टू टू कैंसिल और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू आई बाई सी हो जाएगा ना, 3/2 इंटू कितना हो जाएगा इसके आपका आई बाई सी, तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका ये आंसर, जो रेडिएशन प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 5 × 10⁻⁶ पास्कल, और जो पी और पी नॉट का रेशियो आएगा ये आपका 5 × 10⁻⁶ पास्कल है, और सी लेवल में प्रेशर जो है वो 10⁵ है, ये आपका 5 × 10⁻⁶ मतलब इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, इसलिए कई बार रेडिएबल होता है रेडिएशन प्रेशर है, ये दोनों आंसर है इसके। तो रिफ्लेक्शन ऑप्शन को कैसे यूज किया वो आपको जानना है, 50% रिफ्लेक्ट करना वो हाफ हो, 30% रिफ्लेक्ट होता तो 0.3 ले लेते, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज, तो ये जस्ट हमने एक्सप्लेन किया। दैट इज ऑल विथ योर कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, कि पूरा जो कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो आज आपने खत्म, तो नेक्स्ट वीक में वी स्टार्ट ए वेरी इजी एंड न्यू चैप्टर दैट इज योर ऑप्टिक्स है ना, वो मतलब ये ज्यादा क्रिटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, उसमें वेव ऑप्टिक्स अगर छोड़ दें हम, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल है, रे ऑप्टिक्स तो एकदम क्लियर, एकदम इजिली आप उसको पढ़, ये भी आपने पढ़ी है अच्छा तरह से पढ़ाई से, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप सॉल्व कर सकते, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो होता क्या है ना एक्चुअली रेडिएशन प्रेशर एक बहुत ईजी चीज है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं दे दूं आपसे तो आपने एकदम सॉल्व करके आंसर बता दिया, अगर पता ही नहीं होता कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, कई जगह में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता क्या होता है रेडिएशन प्रेशर, ऊपर तो ये ऐसे ही माइनस चला गया, आप कर ही नहीं पाओगे, दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास से आपको एक इसका प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसको एक बार सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट द ऑप्टिक्स, राइट, बाय बाय। Thank you, sir. Bye-bye. Huh.